प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर यानी कल बिलासपुर आएंगे। पीएम मोदी एम्स का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। रैली में कवरेज के लिए पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र मांगने के आदेश पर बीजेपी सरकार की चौतरफा वजीहत हो रही है। विपक्षी पार्टी इस आदेश को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का काम कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि इतिहास में पहली बार प्रदेश में इस तरह की तानाशाही देखने को मिली है। पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र दिखाने को कहना प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। बीजेपी सरकार बौखलाहट में ऐसे आदेश जारी कर रही है। बीजेपी सरकार अहंकार में ऐसे आदेश जारी कर रही है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रकार का मुझे भी मैसेज मिला व्हाट्सएप पे कि वहाँ डीपीआरओ ने बिलासपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है मीडिया लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए ये ऑर्डर किए गए कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना उस प्रोग्राम में तो आपको एसपी साहब से जो है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के आदेश अगर मीडिया के लोगों को कवरेज के लिए जाना है तो उनको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है कि आपके अंदर अहंकार है क्या? आप लोकतंत्र की परंपराओं को समझने का प्रयास कर हम इस आदेश की निंदा करते हैं और इसको इस आदेश को सरकार को और भाजपा को वापस लेना चाहिए। सर देखिए, सर्वे का जो एक सर्वे आया पहले सी वोटर्स का, मैं उसको दिल्ली के सर्वे कहता हूँ कि जो दिल्ली के सर्वे आए हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ को दर्शाया कि 45% लोग जो है भाजपा से नाराज़ है और भाजपा को बदलना चाहते हैं। वो अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है और उसके बाद कहते हैं कि 33% लोग भी नाराज़ है भाजपा की सरकार से। तो टोटल नाराज़ लोगों की जो संख्या बन रही है उनके हिसाब से वो 78% लोग नाराज़ हैं। अगर आप आइडिया लगाइए कि अगर 78% लोग भाजपा की सरकार से नाराज़ है तो ये आंकड़ा कहाँ जा रहा है? तो इस प्रकार हमने बोला कि हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ये सर्वे हैं, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन मार्क्स होते रहे। तो वो जिस प्रकार से सर्वे दिखा रहे हैं और वो खुद ही अपने आप को कंट्रेडिक्ट कर रहे हैं। सर्वे जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का लाइव टीवी चैनल है, उसने लाइव सर्वे चल रहे हैं ऑनलाइन उनके, उन्होंने बहुत बड़ा सैंपल लिया, उसमें कांग्रेस पार्टी को 55% लोग जो है सत्ता में लाना चाह रहे हैं और 41% लोग जो है भाजपा को लाना चाह रहे हैं। तो 14% का जो फर्क है वो बहुत बड़ा अंतर है। हम इसी बात को कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शंस भी हुआ था हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का, उसमें साफ तौर पे हिमाचल के लोगों का मन साफ दिख रहा था कि बदलाव चाह रहे हैं। आज भी वो बदलाव है, आज भी कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाए। तो ये सर्वे का जो काम है ये केवल वोटरों को और लोगों को मिसगाइड करने के लिए, गलत फहमी पैदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का मतदाता बहुत जागरूक है। वो समझता है कि उसका मत कहाँ जाना है और अपने विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए कौन सी पार्टी को आगे लाना है। तो इस बात से हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। इस प्रकार के सर्वे और भी आ सकते हैं आगे। ये सारा प्रयास जो है केवल कन्फ्यूज़ करने के लिए। एक ऐसा वोटर होता है जो अपना माइंड जो है लास्ट मोमेंट में बनाता है। ये एक प्रयास है सरकार का। इस सरकार के पास धनबल है, पैसा है, हर चीज़ है, ये उसका मिसयूज करके जो है एक भ्रम फैलाने की स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी निरंतर करेंगे। प्रियंका गांधी जी का हमारा 10 तारीख का जो है कार्यक्रम है सोलन के अंदर, एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग करेंगे और जो प्रचार का जो आगाज़ है वहाँ से शुरू करेंगे। अभी हमारा वेन्यू जो है वो आज शाम तक एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनल हो जाएगा, लेकिन तय है कि 10 तारीख को 10:30 बजे वो एक बड़ी पब्लिक मीटिंग जो है सोलन में एड्रेस करेंगे। क्या पूरे प्रदेश? नहीं, ये शिमला पार्लियामेंट्री का रहेगा, क्योंकि आगे भी वो निरंतर दौरे करेंगी और दूसरे पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में भी ऐसी बड़ी मीटिंग्स की जाएगी। तो अभी ये पहला दौरा उनका जो है 10 तारीख का सोलन में जो है। क्या सीनियर लीडर्स भी आएंगे? देखिए, जैसे जैसे नोटिफाई होगा, चुनाव नोटिफिकेशन होगी, चुनाव आगे बढ़ेगा, प्रचार आगे बढ़ेगा। प्रियंका जी ने कमान संभाली है अभी, लेकिन मैं इस बात से, जिस प्रकार माननीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसमें निरंतर उनको एक बहुत बड़ा जन समर्थन, लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है पूरे देश के अंदर, मैं समझता हूँ कि कोशिश ये रहेगी कांग्रेस पार्टी की कि वो भी कुछ समय ज़रूर निकालेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए, ऐसा प्रयास रहेगा। बाकी और भी सीनियर लीडर्स हैं, जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस पार्टी के, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हैं,
और आने वाले टाइम में जो चुनाव होगा, जो नए अध्यक्ष भी बनेंगे, ये सभी लोग स्टार प्रचारक के तौर पे हिमाचल प्रदेश में आएंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।